सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि गैंग का जो मास्टरमाइंड है वो समाजवादी पार्टी का नेता है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए स्वाति जी, अगर कहीं पर भी कोई गैंग चल रहा है, कोई अपराध हो रहा है, तो उस पर पुलिस अपना काम करे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन जब से 2024 से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हारी है, तब से सरकार के निर्देश पर कि हमारे विधायक को, हमारे नेता को या कार्यकर्ता को किसी भी घटना में आपको फंसाना है, FIR करनी है, जेल भेजना है, और केवल समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करने के लिए ये साजिश चल रही है। अच्छा सुनील जी, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अभी हालिया आपने मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर भी तमाम सवाल उठाए थे, अब अनुज कुमार सिंह का जो है एनकाउंटर हुआ है, उस पर समाजवादी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है? सर क्यों नहीं है भाई, हमने मंगेश यादव की एनकाउंटर पे कहा कि वो हत्या है, आप दो दिन पहले उठा लेते हैं, फिर सटा के मार देते हैं। जिस तरीके की थ्योरी STF ने दी, कोई चप्पल पहन के घूम रहा था, कोई बिना ब्लड प्रूफ के जैकेट में घूम रहा था, तो वो अपनी थ्योरी बदलने के लिए आपने इनकाउंटर एक दूसरा कर दिया कल। उस इनकाउंटर पर भी समाजवादी पार्टी ने कहा कि इस पर हम सहमत नहीं है, इनकाउंटर कोई रास्ता नहीं है, और इनकाउंटर करने वाले लोग अपने को ताकतवर न समझें। इनकाउंटर कभी भी समाजवादी पार्टी ने कभी किसी जाति के आधार पे नहीं। सुनील जी, हमारे साथ शलभ मढ़ी त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक हैं। सर, आप दोनों का मैं स्वागत करूंगी। शलभ मढ़ी जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी और ये समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई जिस तरह के इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, किसी भी तरह के घटनाएं सामने निकल कर आती हैं, आप तुरंत समाजवादी पार्टी पर आरोप मार देते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के नेता की भी इन्वॉल्वमेंट है इस तरह के काम में। अभी जाली नोट को लेकर जिस तरह से खबर सामने निकल कर आई और ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये तो देखिए मीडिया के लोग ही दिखा रहे हैं, मीडिया में आप जो खबरें चल रही हैं, आप देखिए कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बता रहे हैं, उनके पास से बहुत बड़ी संख्या में फेक करेंसी रिकवर हुई है, इंडिया की भी, नेपाल की भी, और साथ ही साथ उनके पास बहुत सारे उनके जो दस्तावेजी प्रमाण है, उनकी जो फेसबुक प्रोफाइल है, उनकी जो फोटोज है, वो तमाम सारे बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो है। अब ये ठीक है, समाजवादी पार्टी तो कहेगी भाई कि हमें फर्जी फंसाया गया जो भी है, और जो रिकवरी है वो रिकवरी देख लीजिए, जो कार्रवाई हुई है कार्रवाई देख लीजिए, पूरा नेटवर्क अरेस्ट हुआ है, और बकायदे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हैं, वो भी इस बात की पूरी गवाही दे रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा ये रैकेट चल रहा था जो नेपाल से लेकर भारत तक में फेक करेंसी के काम में लिप्त था। और ये वो लोग हैं जिन पर जो लेटर हेड यूज करते हैं, बकायदे दूसरों के लिए चिट्ठियां लिखते हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अच्छा शलभ मढ़ी जी, इस पर प्रतिक्रिया जरा सुनील सिंह जी की भी ले लेते हैं। सुनील जी, आपने सुना शलभ मढ़ी जी को? जी जी, देखिए शलभ जी को मैंने सुना और वो वही बात कर रहे हैं जो सरकार कर रही है। लेकिन इनसे पूछिए कि क्या जो कल वाला इनकाउंटर है वो किस लिए इनको मजबूरी में कराना पड़ा, क्योंकि जब एक हत्या हो गई और जब सवाल खड़े हुए कि सरकार जाति देख करके मार रही है, तो आपने फिर दूसरा एक इनकाउंटर कर दिया, और इनकाउंटर कर रहे हैं तो अपराध क्यों नहीं रुक रहे हैं? उत्तर प्रदेश में लूट, छिनैती, डकैती, हत्या, बलात्कार क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्यों लगातार अपराध बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप अपराधियों में जाति देख करके काम कर रहे हैं। और मैं शलभ जी से कहूंगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी से कहें कि उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधियों की सूची जारी करें, और 20 में से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूं 17-18 अपराधी ऐसे होंगे जिनको सरकारी गनर मिले होंगे और योगी जी का संरक्षण होगा, बीजेपी सरकार का संरक्षण होगा। आप कैसे उत्तर प्रदेश से क्राइम खत्म कर लेंगे जब आप अपराधियों को संरक्षण देंगे? अच्छा शलभ मढ़ी जी, देखिए सुनील सिंह जी का कहना है कि आप ही अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, आपकी सरकार, इस पर जरा प्रतिक्रिया दें। देखिए ये पूरे देश को पता है, पूरे प्रदेश को पता है, सुनील जी को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में एक दौर होता था जब लोग मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सारे माफियाओं से न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते थे कि साहब हमें न्याय दीजिए, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी। आज की तारीख में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे जो माफिया हैं, उनके पूरे पूरे गैंग का नामो निशान मिट गया, और उनकी मदद में, उनके पक्ष में
तमाम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि साहब देखिए अतीक अहमद गैंग के साथ ऐसा हो रहा है, मुख्तार गैंग के साथ ऐसा हो रहा है, तो आज ये सबको पता है कि कौन अपराधियों के साथ था, कौन अपराधियों के खिलाफ था। अगर आप डिटेल उठाकर देखिएगा तो नवाब सिंह यादव कौन है, नवाब सिंह यादव को भी ये लोग महापुरुष मानते थे कि नवाब सिंह यादव बहुत बड़े महापुरुष है, एक बच्ची के साथ उसने बलात्कार किया, तो इनके बड़े बड़े नेता बोलते थे डीएनए रिपोर्ट लाओ उसके बाद मानेंगे, डीएनए रिपोर्ट भी आ गई, कोर्ट ने भी माना कि हाँ घटना हुई है, तो नवाब सिंह यादव इनके लिए महापुरुष था, हमारे लिए बलात्कारी। मोहित खान इनके लिए महापुरुष है। बिल्कुल सर, देखिए जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है कि किसके शासनकाल में अपराध हुआ और किसके शासनकाल में अपराधों की संख्या कम है। शलभ मणि जी और सुनील जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए।